शोल्डर स्टिफ हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है। हम उसे पैराथराइटिस शोल्डर भी कह सकते हैं, पीए शोल्डर भी कह देते हैं, फ्रोजन शोल्डर भी कह देते हैं। शोल्डर है ये मूव नहीं होता, इसमें पेन होता है। शॉर्ट वेव डाइथर्मी देते हैं, टेंस देते हैं, अल्ट्रासोनिक देते हैं दोस्तों, मैनुअली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं कि जिसमें शोल्डर स्टिफ हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है। हम उसे पैराथ्रेटिक शोल्डर भी कह सकते हैं, पीए शोल्डर भी कह देते हैं, फ्रोजन शोल्डर भी कह देते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये जो शोल्डर है ये मूव नहीं होता, इसमें पेन होता है। तो उसके लिए हम दोस्तों पहले क्या करते हैं, पहले हम मोडलिटी से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे शॉर्ट वेव डाइथर्मी देते हैं, टेंस देते हैं, अल्ट्रासोनिक देते हैं। शॉर्ट वेव डाइथर्मी डीप हीट है और डीप हीट अंदर ज्वाइंट को काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कर देती है, जिससे हमें उसे स्ट्रेच करने में काफ़ी इजी रहता है। उसके बाद उसके साथ साथ हम टेंस यूज़ करते हैं। टेंस एक बहुत अच्छा पेन किलर भी रहता है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी हेल्प हेल्प करता है जो पीए शोल्डर के पेशेंट्स होते हैं। उसके बाद हम दोस्तों मैनुअली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ये अंकल हैं, इनके दोनों शोल्डर काफ़ी स्टिफ हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, मैनुअली मैनुअली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रहेंगी, जिसमें हम शोल्डर को धीरे धीरे हम स्ट्रेच करेंगे। और अंकल के दोनों ही शोल्डर हैं जो काफ़ी स्टिफ हैं, और मैं चाहूँगा कि नज़दीक से थोड़ा दिखाया जाए जो शोल्डर की मूवमेंट होती है। उसमें दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट के अपने अपने तरीके हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट करता है अपने अपने तरीकों से एक्सरसाइज करवाता है। उसमें शोल्डर के लिए जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो हमने पहले बता भी रखी है, काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं, और ये सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए है। जो मैनुअली स्ट्रेचिंग फिजियोथेरेपिस्ट करेगा वो ऐसे करेगा, पहले हल्का सा मोबिलाइज करने के बाद वो इस तरीके की स्ट्रेचिंग करेगा। उस स्ट्रेचिंग से हो सकता है थोड़ा पेन भी हो, और क्योंकि जब तक शोल्डर नहीं खुलेगा तब तक पेन होते रहेगा। जो दोस्तों ये पैराथ्राइटिस का पेन होता है, ये मूवमेंट ना होने की वजह का पेन होता है, क्योंकि शोल्डर कैप्सूल रोटेट नहीं होता और शोल्डर पूरा नहीं घूम पाता, वो अपना काम नहीं कर पाता पूरा, और मूवमेंट पूरी ना होने की वजह से वो पेन होता है। और वो पेन दोस्तों हम ठीक कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट उसको बहुत अच्छा रिलीफ दे सकता है कुछ मॉडलिटीज और कुछ अपने हाथ की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से, और काफ़ी अच्छा रिलीफ आ जाता है। जब ये शोल्डर खुलना शुरू हो जाएगा, देखो अभी तो काफ़ी खुल रहा है ये अंकल का, आज मेरा अंदाज़ा 15वां दिन है, और 15 दिन में ये शोल्डर इतना खुल चुका है कि अभी इनको पेन भी ज़्यादा नहीं फील हो रहा, और शोल्डर अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम भी करना शुरू कर गया है। तो दोस्तों ये है स्ट्रेचिंग जो मैं अपने हाथ से करवा रहा हूँ। हम यहाँ पे रोकेंगे 10 सेकंड्स के लिए और फिर छोड़ देंगे। हम फिर इसे होल्ड करेंगे 10 सेकंड ऐसे खींचने के बाद, फिर छोड़ देंगे। और ऐसी ऐसी बहुत सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं जो हम पेशेंट्स को करवाते हैं, और पेशेंट काफ़ी अच्छा रिलीफ पा जाता है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्या नाम है ताऊ आपका? सतपाल। और ताऊ कहाँ के रहने वाले हो आप? पुराना बाठिया नगर। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? ये खोए बहुत दुख है, कंधों में दर्द। हाँ, कंधा में दर्द था, खाट का पूरा में तेल था। अच्छा, बुराल था, 2 महीने हो गए बीमार था। और यहाँ आपको हमारे पास आते कितने दिन हो गया? हो गए 15-20 दिन। 15-20 दिन हो गया। और अब कैसे हो आप? ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम है, बढ़िया है, ठीक है, और अपने लायक हो गए। हाँ ठीक है। और हमारा काम करने का तरीका हमारा सो कैसा? हाँ बहुत बढ़िया, एक नंबर, स्टाफ बढ़िया है, बढ़िया जब चलो ये बात ठीक हो। हाँ ठीक ठीक है।